पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि PPSC है, राइट। ये साढ़े पंजाब स्टेट का पेपर हुंदा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं तुहाडे लिए एक टॉपिक लैके आई हाँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि PPSC है, राइट। ये साढ़े पंजाब स्टेट का पेपर हुंदा है। अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अपने पंजाब दे स्टेट दे एग्जाम दे लिए, तो उहदे लिए ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने सिलेबस बारे जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस विच की हुंदा है, राइट। इस तो बाद नैक्सट अपने एग्जाम के अंदर सब तो पहला प्रीलिम्स का टैसट हुंदा है, फिर मेन्स हुंदा है, फिर इंटरव्यू हुंदा है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो टैसट हुंदा है उहदे विच GS और CSET दो एग्जाम हुंदे है, ठीक है, जिदे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं हुंदी। ये अपने पंजाब दे स्टूडेंट्स लिए बेनीफिट है क्योंकि ये कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। सो उस तो बाद हुंदा मेन्स का एग्जाम। मेन्स के एग्जाम्स की हुंदा GS 1 to GS 4 तक दे जिन्ना भी सिलेबस हुंदा वो सारा ये इनकलूड हुंदा, राइट। इस सिलेबस से मैं तुहानू दसूंगी कि सिलेबस से कि टॉपिक्स ने जो पंजाब दे स्टेट दे एग्जाम विच आंदे ने, राइट। अगर आप देखो पंजाब दे एग्जाम देन जा रहे हैं तो साढ़े लिए पंजाबी बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप अगर सानू अपने स्टेट की लैंग्वेज नहीं पता तो इस मीन कि आप अपने स्टेट का एग्जाम क्लीयर करना साढ़े लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आप पंजाब तो बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाब का एग्जाम देने तो साढ़े लिए बहुत ही बेनीफिशियल है क्योंकि पंजाब के जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपनी लैंग्वेज तो आँदी ही होनी है, मतलब या तो फिर अपनी लैंग्वेज बारे नॉलेज होंगी है, उन्होंने बोलना भी आता लिखना भी आता, तो उन्होंने ये बेनीफिट है, राइट। उस तो बाद है इंग्लिश टैसट। इंग्लिश का एक टैसट होंगे अपने मेन्स के विच, एंड उस तो बाद आता इंटरव्यू। इंटरव्यू होंगे फाइनल जो साडा GS CSET क्लीयर हो जाता है, उस तो बाद आप मेन्सली जाने और मेन्स जो भी जो सा कट ऑफ वधिया आ जाता है फिर असी फाइनल इंटरव्यू ली जाने, राइट। और उस तो बाद अपने को पोस्ट केड़ी आदि पंजाब के एग्जाम लिए। अगर आप पंजाब के एग्जाम क्लीयर करते हैं, अगर साडा इंटरव्यू हों तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग सानू पोस्ट मिलती है। पोस्ट अपनी हो सकती है SDM, पंचायत ऑफिसर, DSP, BDO, DFC, तहसीलदार, ये साढ़े को पोस्ट आदि ने, ठीक है। जो आप इंटरव्यू क्लीयर करते हैं तो ये सारी पोस्ट होंगे ने जिदे चे आपां अगे अपना कंटिन्यू करते हैं। सानू कोई भी ये पोस्ट मिल सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता कि साडा कट ऑफ की है, तो वो अकॉर्डिंग सानू केड़ी पोस्ट से रिक्रूटमेंट है जां फिर सानू एडजस्ट करते हैं, राइट। और उस तो बाद अपना सिलेबस जो रहिंदा है पेपर 1 GS दा। GS दा जो पेपर रहिंदा इहदे विच सानू एवरीडे साइंस आती है, राइट। एवरीडे साइंस ये सब्जेक्ट है GS पेपर 1 का। उस तो बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जेड़ा सब्जेक्ट हुंदा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हुंदा है, राइट। उस तो बाद आता है इनवायरमेंट स्टडी। इनवायरमेंट के बारे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए है, ये भी एक अपना सब्जेक्ट है पेपर GS 1 के। उस तो बाद आ जाता पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कि साढ़े देश के दे दूसरे देश नाल की रिलेशन है, राइट। एंड जो भी पास्ट से उन्होंने जो भी लड़ाई हुई है या कुछ भी होया वो बारे इस सब्जेक्ट विच डिस्कस करया जाता है। इंडियन पॉलिटी ये भी जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए है अगर आप एग्जाम देन जा रहे हैं, स्पेशली पंजाब की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए क्योंकि इस एग्जाम विच सानू पंजाब की हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। इंडियन इकोनमी, इंडियन इकोनमी, इंडियन का बजट की है, बजट सिस्टम की चल रहा है, एंड इन्फ्लेशन की है,
एंड की इकोनमी साड़ी बैलेंस कर रही है नहीं कर रही है उहदे ते भी सारा एक बुक हुंदी है जो कि पढ़नी बहुत जरूरी हुंदी है राइट एंड उस ते बाद इहदे विच इनक्लूडिड है करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर जो रहिंदा है राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो थानूं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पानी चाहिए है क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप डेली रीड करते तो सानूं करंट अफेयर बारे नॉलेज मिलती है राइट लेकिन अगर तुसी न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते तो डोंट वरी साढ़े को करंट अफेयरस की मैगजीन्स भी है एंड आप नोट्स भी स्टूडेंट नूं प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वीकली डेली एंड मंथली ईयरली बेसिस करंट अफेयरस दे रहिंदे आ राइट उस तो बाद पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पंजाब का एग्जाम देन जा रहे हैं तो पंजाबी जो लैंग्वेज है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस तो बाद साडा एक पेपर आंदा है पेपर सेकंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट विच केड़े सब्जेक्ट रहिंदे हैं सब्जेक्ट आप कह सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहिंदे हैं इंटरपर्सनल स्किल्स ये भी इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग च सानू क्वेश्चंस आंदे हैं ब्लड रिलेशन दे रिलेटेड ए इज द फादर ऑफ बी एंड एम इज द मदर ऑफ बी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये वाले आएंगे सानू डाटा एनालाइज राइट ये भी इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप सी सेट का पेपर दे रहे हैं राइट एंड इस तो बाद नेक्स्ट अपना फाइनल जो है फाइनल एग्जाम जो कि अपना मेंस है मेंस विच की सब्जेक्ट आएंगे पंजाबी इंपॉर्टेंट आएगी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है जर्नल एसे आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एक टॉपिक होएगा ठीक है उहदे ते एसे तुहानू लिखना पड़ेगा जर्नल कोई भी एसे तुहानू टॉपिक दिता जाएगा उहते प्रॉपर पूरा तुसीं एक एसे लिखना होएगा ठीक है और जीएस पेपर वन ये आएगी तुहानू हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस और उस तो बाद जीएस पेपर टू च थानू आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन राइट उस तो बाद आएगा अपना जीएस पेपर थ्री ये इकोनमी स्टैटिस्टिक्स सिक्योरिटी इशू आएंगे जीएस पेपर फोर विच आएगा अपने को साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग राइट ये कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हुंदा सो आई होप सो स्टूडेंट तुहानू सारी सिलेबस बारे नॉलेज हो गई होगी एंड तुसी अपना एग्जाम है जड़ा राइट इहदी प्रिपरेशन करो ताकि तुसी अपने पंजाब दा अगर एग्जाम देन जा रहे हो तो तुसी एक वधिया पोजिशन च जा सको एंड सारे भी जो भी तुहानू ट्रिक्स एंड स्टडी मटीरियल चाहिए तो साढ़े तो अवेलेबल है राइट तुसी अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो साडे बैच ज्वाइन कर सकते हो जिदे कि साडे कोल बहुत ही एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है जो तुहानू स्टडी करवाएंगे राइट जिदे कि थोड़ी हैल्प होएगी मॉक इंटरव्यू डिबेट्स कोई भी टॉपिक दिता जाएगा उहदे च तुसी डिस्कस करोगे राइट जिदे नाल थोड़ी प्रैक्टिस नाल तुसी अगे वधोगे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपोर्टेंट अगर आप कोई भी एग्जाम देन जा रहे हैं चाहे स्टेट का होए आई एस का होए कोई भी एग्जाम होए उहदे च प्रैक्टिस बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है Thank you, student.